बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी ब्रोस्ट विद फ्राइज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम खर्चे में बनने वाला है। आजकल के महंगाई के दौर में बाहर का खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जबकि महंगाई इतनी है तो आप क्यों ना घर पर बनाइए और पेट भर के खाएँ। सबसे पहले हमने लेनी है 8 से 10 हरी मिर्चें, उन्हें अच्छे से हमने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद हमने एक गहरा बर्तन लेना है जिसमें अच्छे से हमने पानी भर दिया, ठीक है। पानी हमने काफ़ी अच्छे से डाल दिया। उसके बाद हमने ग्रीन चिलीज़ जिसे पेस्ट बना लिया था वो ऐड की। उसके बाद 4 चम्मच हमने सफ़ेद सिरका ऐड किया। उसके बाद हमने इसमें चिकन के थाई और लेग, हमने चिकन थाई और लेग में ली थी, उसे हमने इसमें डिप कर देना है। इतना डिप करेंगे कि अच्छे से ये डिप हो जाए, पानी के अंदर चली जाए, और फिर हमने इसे कुछ भी नहीं करना। और इस तरीके से डिप करके हमने तकरीबन 1 चम्मच नमक ऐड करना है ऊपर से, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद 2 घंटे बाद हमने ये चिकन को निकाला, एक खाली बोल में डाला, ठीक है। इस तरीके से ये वाइट वाइट हो जाएगी। उसके बाद हमने सारे चिकन को बोल में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हमने इसमें मसाला लगाना है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस। उसके साथ साथ हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच नमक, और नमक के साथ साथ हम इसमें ऐड करते जाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च। बिल्कुल लाल पिसी मिर्च होती है ना, वैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डार्क कलर होता है। तो हमने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो पिसी हुई थी यानी पाउडर फॉर्म में थी, वो इसमें ऐड किया, और इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लें। स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स नहीं हो सकता, तो देखें ये अंदर इतना सॉस है, और आपने इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर आपने इसे फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आपने कोटिंग के लिए एक खाली बोल लेना है, जिसमें आपने 1 प्याली मैदा लेना है। उसके साथ साथ जैसे मैदा आपने 1 प्याली लिया, उसका आधा यानी आधी प्याली आपने लिया चावल का आटा, और फिर चावल के आटे का भी आधा लिया आपने कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये चिकन आपने इसमें से निकाली, इसको भी आपने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद आपने इसमें डिप किया, हाथ की मदद से इसे अच्छे से पुश किया ताकि सारा कोटिंग का जो मसाला था वो सब इसमें लग जाए। उसके बाद आपने इसे क्या करना है, सारी कोटिंग एक दफ़ा कर लेनी है। उसके बाद आपने एक खाली बोल लेना है जिसमें पानी डाला, पानी में आपने क्यूब्स डाले यानी पानी आपका ठंडा हो गया। तो उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है पानी, में ऐड किया पानी में अच्छे तरीके से डिप करने के बाद आपने इसे इसमें कोटिंग वाले मसाले में दोबारा ऐड किया। ये एक तरफ करके रख दिया। उसके बाद थोड़ी सी फ्राइज़ का दल जा रहा था बच्चों के लिए, तो फ्राइज़ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के और रख दिया। अब इसको हमने डीप फ्राई करना है, अच्छे से डीप फ्राई करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। और फ्राइज़ को हमने हाफ़ डन करके निकाल लिया था। उसके बाद हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया इसे खुली हवा में, और फिर हमने दोबारा फ्राई किया। ये देखिए मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी ब्रोस्ट विद फ्राइज़ रेडी है। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार बना था। इंशाल्लाह आपने लाजमी ट्राई करना है, और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखना है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।